नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज सच्चाई के साथ। हरिद्वार में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग के पास बने टापू में गंगा का जलस्तर बढ़ने से चार लोग फंस गए। मौके पर पहुंची जल पुलिस ने चारों लोगों को सकुशल बचा लिया। बताया जा रहा है कि जब चारों लोग टापू में गए थे तब गंगा का जलस्तर बेहद कम था। अचानक वीआईपी घाट के पास बने बैराज से गेट खोला गया, जिसके बाद गंगा का जलस्तर बढ़ गया और चारों यात्री टापू में फंस गए। वहीं ऋषिकेश में 15 मिनट की बारिश से शहर की सड़कें तालाब बन गई। जगह जगह जलभराव से स्थानीय लोगों को आवागमन में दिक्कतें आने लगी। उन्होंने मजबूरन घुटनों घुटनों पानी से होकर गुजरना पड़ा। जलभराव से गुजरते हुए लोग नगर निगम के अधिकारियों को कोसते भी नजर आए। राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क की चीला रेंज में घासीराम रपटे पर तेज पानी आने से थार गाड़ी बह गई। थार गाड़ी दिल्ली के पर्यटकों की बताई जा रही है। पर्यटक थार से निकलकर अपनी जान बचा बैठे। बाद में रेस्क्यू करके थार को भी निकाला गया। चेतावनी जारी के बाद भी पर्यटक मान नहीं रहे और जान हथेली में रहकर उफनाई नदियों में गाड़ी लेकर जा रहे हैं, जिससे कि बेहद खतरनाक जोखिम भरे अंजाम देखने को मिल रहे हैं। वहीं विकास नगर के पछुआ दून में सरकारी अस्पताल में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कांग्रेस ने घिराव किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन भेजा। बद से बदतर स्थिति में पहुंच चुकी है, लेकिन उसकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। हमने आज माननीय मुख्यमंत्री जी को उप जिलाधिकारी विकास नगर के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया है और इस आशा से किया है कि इस क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में कुछ सुधार होगा, क्योंकि विकास नगर का हॉस्पिटल हो, चाहे सहसपुर का हॉस्पिटल हो, चाहे जौनसार बाबर का अस्पताल हो, आपने देखा होगा कि किस तरह से लोग दर दर भटक रहे हैं। डॉक्टर्स बाहर की दवाएं, गरीब आदमी वहां पे जाता है सरकारी हॉस्पिटल में, उसको बाहर की दवाएं लिखी जाती है, डॉक्टर जेनरिक दवाई नहीं लिख रहे हैं। जहाँ इमरजेंसी के वक्त वहाँ पे डॉक्टर उपलब्ध नहीं, तो कई लोगों का भी परसों का भी वाक्य है कि एक व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी, डॉक्टर वहाँ पे इमरजेंसी में उपलब्ध नहीं थे वहाँ पे। मानसून सीजन को लेकर बुधवार को लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने यमुना कॉलोनी स्थित लोक निर्माण भवन में विभाग की तैयारियों को लेकर बैठक ली। इस दौरान उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों की स्थिति का आकलन करने के साथ भूस्खलन व अवरुद्ध सड़कों से मलबा हटाने के प्रबंधक के बारे में विभागीय अधिकारियों से जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान बताया कि भारी वर्षा से व भूस्खलन के कारण अवरुद्ध 179 सड़कों में से अभी तक 52 सड़कों को यातायात के लिए खोल दिया गया है। सड़कों को खोलने के लिए 468 जेसीबी, पॉकलैंड चेन डोजर आदि चलाए जा रहे हैं। इस दौरान लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने सभी विभागीय अधिकारियों को दूरभाष पर हर समय उपलब्ध रहने के निर्देश दिए और कहा कि किसी भी प्रकार की आपदा से जल्द निपटा जाए। उत्तर प्रदेश के कैराना निवासी दो भाई भीम और राजकुमार अपनी मां को कावड़ पर बिठाकर जलाभिषेक को लेकर जा रहे हैं। यह 3 जुलाई को हरिद्वार से कावड़ लेकर चले थे। कावड़ में एक तरफ अपनी मां और दूसरी तरफ जल को रखा हुआ है। दोनों भाइयों ने बताया कि उनकी इच्छा थी कि मां को कावड़ यात्रा पर लेकर जाए। उन्होंने कहा कि यह कैराना में जलाभिषेक मतलब करेंगे। क्या सोच के क्या आपको विचार रहा है? दिल्ली की इच्छा थी, मतलब अपनी माता जी को हर की पौड़ी मिला के लाए और कावड़ में करके सर उनके समान। हां, हम भी कुछ कष्ट करें, मतलब अपनी माता जी को। कितना माता जी का वेट है? उतना ही चले आप? उतना ही चले। कितने दिन तक में आप वहां अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे? 15 तारीख तक अपने मंदिर तक चढ़ाएंगे। और जल कहां पे चढ़ाएंगे? कैराना ही चढ़ाएंगे। इससे पहले भी आपने किसी के कावड़ लिया है? पहली बार पहली बार है। क्या मन लगा आपका? मेरा नाम भीम है, मैं कैराना साहिब जिला फोन मणि मन का मतलब किसी के मतलब हम लोग जमुना जी कब चले थे आप परिवार से? 3 तारीख में चले थे 8:30 बजे। कितने लोग आए हैं आपके परिवार से? हम 2 भाई। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, सबसे पहले खबर को पाने के लिए।